मनासा तहसील के कुछ गांव में होने वाली पान की खेती कोरोना इफेक्ट की चपेट में आ गई है। लॉकडाउन के चलते पान का निर्यात महानगरों की ओर न होने से लाखों की पान की फसल खराब होने की स्थिति में आ गई है। किसानों ने पान के पत्ते तोड़कर टोलियों तो तैयार कर ली है, लेकिन वाहनों के ना चलने से पान बाहर नहीं जा पा रहे हैं। जिला स्तर पर भी पान की बिक्री पूरी तरह से बंद होने के कारण पान किसान चिंतित है। खराब हो चुके पान को किसान फेंक रहे हैं। मनासा तहसील के पंडिता कुकुड़ेश्वर गांव में बड़ी संख्या में पान किसान है, जो परंपरागत तरीके से पान की खेती करते चले आ रहे हैं। नीमच जिले के मनासा तहसील का पान भारत के लगभग तमाम राज्यों में निर्यात किया जाता है। इन दिनों कोरोना संक्रमण के खतरे से चलते पूरे देश में लॉकडाउन से जहां अन्य सभी व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, तो पान के किसानों को भी जबरदस्त मार झेलनी पड़ रही है। पान किसानों ने लॉकडाउन के चलते पान के पत्ते बोले से तोड़कर उनकी टोलियां तैयार कर ली थी। उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वैश्विक महामारी के दौरान लॉकडाउन हो जाएगा और ऐसे हालत झेलने पड़ेंगे। पान किसानों के घरों में टोकरियों में रखे पान के पत्ते काले पड़ने लगे हैं, जिसके कारण किसानों को पान को फेंकना पड़ रहा है। मनासा से मनीष डोलाने की रिपोर्ट। का नाम छोटेलाल तंबोली पड़दा। तंबोली पड़दा, क्या काम करते हैं आप? ये हम पान की खेती करते हैं सर। अच्छा, तो अभी क्या लॉकडाउन की वजह से क्या नुकसान हो रहा है आपके? लॉकडाउन की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ कि जो हमारे पास तुड़ई उन दिनों में कर रखी थी वो भी माल हमारा यहाँ रुक गया, और पनवाड़ी में अभी गर्मी बढ़ने की वजह से जो पान के पत्ते ये वर्तमान में ये ख़राब है। इससे अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे और नुकसान होने की संभावना रहती है। इससे में हमारी तुड़ाई रुकी हुई है। एक दिन में कितना नुकसान होता है आपको इसका? सर ये करीबन एक दिन में एक परिवार को कम से कम 1,000 रुपये तक का नुकसान होता है। तो कितने परिवार हैं जो भी पनवाड़ी के काम करते हैं यहाँ पे? ये हमारे गांव में करीबन 70 परिवार यहाँ पे हैं। इसके अलावा अपने हमारी तहसील में कुकड़ेश्वर में भी 600 परिवार इसी धंधे से जुड़े हुए हैं। तो हम सबको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों में। तो सिर्फ आप पान का ही काम करते हैं या और भी कुछ काम है? हमारे पास ये सिर्फ हम पान की खेती पर ही आधारित हैं। हम जी हमारे यहाँ के पान रामपुर, दिल्ली, मेरठ, सारंगपुर, अजमेर, हर जगह हमारे यहाँ के पान जाते हैं। तो अभी लॉकडाउन की वजह से हर प्रकार से बंद है, तो हमारे को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और जो लॉकडाउन के एक दिन पहले जो हमने तुड़ाई कर रखी थी तो वो भी यहीं पर रुक गई है। और अभी वर्तमान में अगर ये जो पत्ते ख़राब हो रहे हैं, अब तुड़ाई रुकी हुई है, तो इसके लिए हम क्या करें? हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है। तो प्रशासन से हमारी गुहार है कि हमारे इस व्यवसाय की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें कि हमें भी सब्जी वालों के साथ में कोई राहत पैकेज प्रदान करें। ये जो हम पनवाड़ी तैयार करते हैं तो इसके लिए कलम जब हम लाते हैं तो वो काफ़ी महंगा कलम मिलता है हमें। इसके अलावा जैसे ही एक सप्ताह के बाद में इसके अंदर हम खल डालने का काम करते हैं, उसके बाद में फिर इसको दही से दही भी डालते हैं, इसमें घी भी डाला जाता है, तो आदमी को इसमें फसल को तैयार करने में काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है। क्या लाखों की लागत आ रही है? हाँ, इसमें लाखों की मतलब लागत भी आती है, तो इसलिए हमारे को काफ़ी नुकसान में इस साल जा रहा है।